क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, 2 से भाग करेंगे और 2 से गुणा करेंगे, 2 into। अच्छा cos 2x को पहले और फिर cos x लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला पढ़े हो ना आप लोग, 2 cos A cos B का क्या होता है, cos A + B एंड प्लस cos A - B, इसी का यह फॉर्मूला है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 x, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos A + B यानी कि 3x और प्लस cos A - B यानी कि cos x, यही ना हो जाएगा dx। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और फिर अलग अलग बना लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। 1/2 x cos 3x, ठीक है, और फिर प्लस x cos x dx। समझ गए ना बात को, एक बार इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, एक बार इससे ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मैं इसे u × b पे इसको भी बनाऊंगा और इसको भी, दो दो बार फॉर्मूला लगेगा, समझ रहे ना, दो दो बार लगेगा। तो चलो लगाते हैं, 1/2 x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, माइनस फिर इंटीग्रेशन देकर, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, आपका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx dx, यही ना होगा। फिर प्लस, अब इसके लिए चलते हैं, इसके लिए यहाँ पे x को बाहर रखे, फिर cos x dx, फिर माइनस देकर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा डेरिवेटिव आ जाएगा ना पहले, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और फिर यहाँ पर dx, ये ब्रैकेट बंद करते हैं। चलिए देखते हैं, 1/2 अंदर क्या होगा, cos का साइन हो जाएगा और 3x का 3 होगा, तो sin 3x x sin 3x/3, ठीक है। अच्छा, और माइनस फिर इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन तो 1, ये बचेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का साइन 3x और बटा में 3 प्लस x, cos का यहाँ पे sin x हो जाएगा, और फिर माइनस, ये माइनस है माइनस दे दिए, इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1। अच्छा अब यहाँ पे आओ, इसका cos का यहाँ पे हो जाएगा sin x dx। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलो भैया अब इसके बाद देखो, 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखो, x sin 3x/3 माइनस, साइन का यहाँ पे क्या होगा cos, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3x और बटा में 3, और 3 पहले से था एक, तो 9 हो जाएगा, इसका 3x का 3 डेरिवेटिव में भाग में आएगा ना, और एक पहले से 3 तो 9 हो गया, और प्लस में x sin x और माइनस, यहाँ देखो साइन का माइनस cos और यहाँ माइनस है, तो प्लस हो जाएगा cos x प्लस में c, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो अब इसको लिख देते हैं सजा कर, या इतना भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लाइन से भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको पहले और इनको बाद में कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भी छोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। x sin 2x sin x cos x x sin 3x/3 cos 3x/9 + c, इसका आंसर आ गया, समझ गए ना। चलिए तो इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज में, मैं बहुत सारे क्वेश्चन है सब बताऊंगा आपको, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बनाइए, और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा, और नोट्स को डाउनलोड करने के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।